क्या चीज़ हो भाई? हाल 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 ओ मंत्री दिले, तुम यहां से भाग कर चले जाओ और बोल देना कंचन कांवर सजाने के लिए अबर घर सजवा के महाराज। हां पर यहां चमका दे साबुन मार के बोतल से ले जाओ। हां ठीक है बाबा। ए महारानी स्वामी जी, अब अपने अमरपुर छोड़कर यहां से अपने ससुराल हिमाचलपुर शहर चलो, क्यों कि बहुत विलंब हो चुका है। ठीक है स्वामी जी। और है तो हो जाबो चल यहां है पता महारानी स्वामी जी। यही है हिमाचलपुर शहर और यही है मेरा दरबार, हिमाचलपुर शहर का दरबार। क्या यही आपके महल है? देखो और हिमाचलपुर पहुंच चुके हैं क्यों नहीं? ठीक है, सब पर्दा लोग अपने राज में बसता है सब। और क्या कोठे महल सही है ना, राज दरबार का मंत्री देखिए अपने ड्यूटी जगा रहा है। क्यों नहीं, यह तो बहुत अच्छी की बात है पतिदेव। हाँ मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ, क्या मैं पूछ सकते स्वामी जी? महारानी। हाँ स्वामी जी। क्या क्या पूछने के लिए तुम चाहते हो? मैं आपसे एक बात पूछने के लिए चाहते हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं पतिदेव, आपने शादी करके वहां से चल दिए परंतु
आपने ये तो नहीं बताए आपके महल में कितने सदस्य। वाह वाह, क्या तुम्हारा उत्तम ही विचार है महारानी। हाँ स्वामी जी, ये बात तुम पूछ लिया, बहुत अच्छा काम किया। तब जानते हो ये महल जो सनसनाहट लग रहा है, हाँ। इस महल में चार सदस्य हैं। और कौन कौन? कौन कौन है? पहले मेरा पिताजी हिमाचल राजा और मेरे भाई लीलराज और मेरे भाभी सोनामंती और सबसे छोटा मैं कमलराज। स्वामी जी, हाँ महारानी, अगर आपके महल में इतना सदस्य है परंतु यह महल उदास क्यों है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? स्वामी जी, हाँ, मैं तो तुम्हारे अपने पटराने बना कर लाया हूं, मेरे हुकूमत के अनुसार तुम चलोगे। ये बात पूछने वाला कौन हो? अगर तुम पूछते हो तो बताने में क्या लगता है? मैं आपसे ये जानकारी लूंगी कि माल उदास क्यों लगते हैं महारानी। हाँ स्वामी जी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्या बता दो महारानी? हाँ स्वामी जी, ये 14 कोस के राज्य हिमाचलपुर शहर मैं अपना कब्जा किया हूं बाहुबल से। और किस प्रकार से जानते हो? ये सुनसनाहट जो लग रहा है, मैं अपने पिताजी को अपने हाथों से मैं उनको छाती में खंजर मार को हत्या कर दिया और बड़े भाई को पिता को हत्या को जुलूम में फंसा कर 14 बरस वनवास कर दिया और उनके शरीर से पूरे राजशाही पोशाक खोल कर बदन पर कोड़ा मार मार को धक्के मार को भगा दिया हरमजादे को। और ये राज जानते हो, ये राज मेरा 14 कोस के राज कमल राज के है। तुम राज करोगे राज, महारानी बैठ जाओ, आ जाओ, पहले बैठो महारानी। शर्म जी, मैं तो बैठ जाऊंगी पर आपके महल में कोई तो होंगे है, क्यों नहीं रहेगा? कौन है स्वामी जी? मेरे महल में, हाँ पतिदेव, बड़ी भाभी है, वही चंडाल का धर्म पत्नी है। क्या उनसे मिलने के लिए चाहते हो? क्योंकि मैं उनसे छुप कर मैं शादी करने के लिए मैं गया, अभी तक बड़ी भाभी नहीं जानता है कि कमलराज शादी करने के लिए गया। अगर तुम मिलने के लिए चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी बड़ी बहन से मिलाता हूँ। स्वामी जी, हाँ मुझे मिलवाइए। स्वामी जी, शांति होकर बैठ जाइए। अरे दिल जाए था बढ़िया के भाभी हो, प्रणाम भाभी माँ। खुश हो देवर जी, क्या बात है देवर? भाभी माँ, हाँ कहिए देवर जी। मैं आपसे एक बात बोलू। क्या बोलने के चाहते हो देवर जी? इधर आइए ना भाभी माँ, तुम्हारे आंखों में जब देखता हूँ तो आंसू। क्या वो पापी के नामों से आंसू बह रहा है? वो तो चला गया, जो जुलूम करेगा वैसे भोगेगा।
वो गलती किया इसलिए धक्का मार के भगाया। तू तो महारानी हो ना, तुम्हें आंसू नहीं बहना चाहिए। भाभी माँ, हाँ देवर जी, आज मैं तुम्हारे बिना पूछे हुए बिना बताए हुए मैं शादी करके लाया हूँ। क्या देवर जी? हाँ, तुम्हारे देवरानी के लाया हूँ। मुझे बिना बताए हुए शादी करके लेके चले आए हैं देवर जी। हे भगवान, मैं किसे बताता? मैं तो सोचा कि अगर भाभी माँ को बताएंगे तो मुझे शादी करने के लिए नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ से चुपके चुपके भागते हुए चले गए। उतरे सुधरे गए कोठा पर, मोजरा करते हुए चले गए शादी करने के लिए। तो ठीक है देवर जी, कोई बात नहीं देवर जी। महारानी, ये है मेरे भरी बड़ी भाभी माँ है। जब तक दोनों बहन गले से गले मिलो तब तक मैं शराब पी कर आ रहा हूँ और कोठी मुन्ने भाई को पास में सा रहा हूँ। महारानी, दो पक जब नहीं लगाते हैं शरीर मेरा लगता है कि माथा दर्द, इसलिए मैं झांझ तोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ ठेका पर। जब तक गप करो। ऐसा कीजिए देवर जी, दोनों आदमी चले जाइए आराम करने के लिए देवर जी। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात, ये माल उदास क्यों लगते? आप मुझे बता सकते हैं बा? सुनो बहन, तुम जाके आराम करो बहन, क्योंकि तुम आई हो तो थक गई होगी बहन, इसीलिए तुम जाकर आराम करो बहन। ठीक है बा, लेकिन भाई इस टाइम में जा रही हूँ आराम करने के लिए, परंतु आपकी हालत मुझे देख नहीं जा रही है बा। नहीं बहन, मुझे हालत छोड़ दो बहन, जाओ आराम करो बहन। ठीक है बा, जाओ बहन। आए हे तारा भैया आराम आगे बहिना, हेला भाई
हो।